मैं शांत ही हूँ, अभी तो बहुत खुश हूँ। मेरा राम घर पे आ गया अभी। हाँ, लेकिन केशव प्रभाकर भारत की निर्मिति नहीं आया अभी तक। अभी तक कैसे क्या नहीं आए? हमने अमोल को तो कभी का भेज दिया है उनको बुलाने के लिए। हो अमोल है वो, कहीं और चला गया होगा। आप जरा फोन करके पूछिए ना कहाँ रह गए। अरे अंडा का फोन है, खुशखबरी देता हूँ। हाँ बोला बोला अन्ना। अरे केशव किधर हो तुम लोग? अमोल मिला ना? तुम लोग आए क्यों नहीं अभी तक? अरे अरे अन्ना, अब बस मेरा और मेरे मार्गदर्शन में जिस किसी ने भी गायत्री को ढूंढा है उन सबके स्वागत की तैयारी करो। हम गायत्री के साथ उसको लेके आन बान और शान से आ रहे हैं। गायत्री को लेकर? तुझे गायत्री मिली ही? मंजे गाय साथ में ही है। अच्छा कोटारड़ा। कितना झूठ बोल रहे। किस पद पे रख दू? हेलो केशव। हाँ? जरा बात करवाना मेरी गायत्री से। बात क्या करनी है ना, मिलवा दो ना फेस टू फेस घर पे आके। नहीं नहीं, घर पे तो मैं बात कर लूंगा रे, क्योंकि क्या है ना कि मेरी वाली गायत्री तो घर पे ही है। अभी तुझे कौन सी गायत्री मिली उससे बात करवा। गायत्री घर पे? हाँ तो मैंने बोला था कि वो आ गई है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है। अभी ये दूसरी नई वाली गायत्री कहाँ से ढूंढ निकाली वो जरा बता जासूस गोपी चंद। अब वो मैं वो दरअसल प्रभाकर दादा, उनको ऐसा लगा कि वो उस बेचारे प्रभाकर के कंधे पर इतनी बार बंदूक रखी है तूने कि उस कंधे को कंधा देना पड़े ऐसी हालत हो गई है। कंधे को अभी आ जाओ, तुम लोग घर पे आ जाओ रे सब लोग। अन्ना खाने में क्या बनाऊं? उधर खड़े खड़े बनाने वाली है तू भारती? नहीं अन्ना, घर आके पूछूंगी उसके बाद बनाऊंगी, तो टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बताइए ना खाने में क्या बनाऊं? अभी भारती बाढ़ देख, हमेशा तुम मुझसे पूछती है खाने में क्या बनाऊं। मैं तुझे जो कुछ भी बोलता हूँ तू बर बर कह के जाती है और फिर वापस आती है। लेकिन अन्ना ऐसा बोलते हुए तो फोन पे तो ये सब करने का मजा नहीं आएगा ना। तो तू घर पे आ जा, फिर हम ससुर बहू मिल के खेलते हैं खाने में क्या बनाओ। बरो बरो। लेकिन अन्ना बरो बरो। हाय हाय, इन्हीं यादों पे तो मैं हार जाता हूँ। हारना तो पड़ेगा ही, जीतने की आदत जो है हमें। और हमें तुम्हें जीतते हुए देखने की जाने में, वरना हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो तो कल पता चल जाएगा मिस्टर खिलाड़ी, जब मैं तुम्हें जुई टी के खेल में हराऊंगी। इतनी बड़ी लड़ाई में तुम हार गई हो तो इस छोटी गेम में तो मैं सामने से हार जाऊंगा। कौन सी बड़ी लड़ाई? परंपरा और परिवर्तन की। आखिर थकार के तो हमें लेने आ रहे थे तुम और अन्ना। ये तुम्हारी गलत फहमी है अभिषेक, हम थकार कर नहीं, उस प्यार की खातिर तुम्हें लेने आए थे जिसकी कदर तुम्हें हो ना हो हमें जरूर है। और यही फर्क है तुम में और मेरे अन्ना में, तुम अपनी जीत पर इतरा रहे हो और वो तुम्हें जिताकर मुस्कुरा रहे, वो तुमसे नहीं अपने दिल से हारे। और एक बात याद रखना अभिषेक, अभी तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ना तुम्हारी परिवर्तन की सोच जीती है ना हमारी परंपरा हारी है, ये जंग तो अभी जारी है। और केशव, वो तू गायत्री को लेके आने वाला था घर पे, उसका क्या हो गया?
अन्ना आप समझे नहीं, ये झूठ बोल रहा था आपसे। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि ये झूठ बोल रहा था। नहीं अन्ना, मुझे पता है, आपको पता है। अरे बुद्धि के बाइन, जब भी तुझे पता है कि मुझे पता है तो फिर क्यों बोल रहा है मुझे कि ये झूठ बोल रहा था करके? क्योंकि मुझे लगा कि आपको पता नहीं चला कि केशव झूठ बोल रहा है, मतलब पहले ऐसा लगा, लेकिन अभी जब आपने मुझे ऐसा बोला ना कि आपको पता ही नहीं चला, तब मुझे पता चल गया कि आपको पता है। नहीं समझ पाओगे ना। तुम कोई नहीं समझ पाओगे केशव, सिर्फ चंद्रमुखी मौसी समझती है मुझे। ऐसे ऐसे करके भलाइयां ली उन्होंने मेरे एक गाने पे। चंद्रमुखी ने, चंद्रमुखी ने ऐसे भलाइयां ली थी? इधर उधर इधर इधर प्रभाकर बात, ऐसा कौन सा गाना बनाया था तूने, जरा सुना। बादल से बारिश आती है क्योंकि होता है उसमें पानी। वाह 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 वा। इस बार सचमुच में अच्छा लेकर आया। बादल से बारिश आती है क्योंकि होता है उसमें पानी। आगे आगे बोल। भैंस जब रोती है क्योंकि होता है आंखों में पानी। भैंस की आंख का पानी? तो बारिश का पानी, भैंस की आंख, एक हुए। लावारिस नानी, जेल की सलाख, एक हुए। ये गाना वो चंद्रमुखी ताई को अच्छा लगा ये गाना। वो बेचारी दुखी है ना, और ये आंख में से पानी लेके आया, भले बाईस की आंख में पानी लाया, लेकिन इसलिए उसको बेचारी को अच्छा लगा। बहुत भावुक है ना वो चंद्रमुखी। अन्ना, वो चंद्रमुखी ताई और सुलक्षणा कई दिनों से आई नहीं है, और अब तो उनका फोन भी बंद आ रहा है। ठीक है ना, सीजन खत्म हो गई, अभी क्या जरूरत है उनकी। मरुदे ए, मरुदे क्या मरुदे, ऐसी गुणवान चरित्रवान जिंदा दिल औरतों के बारे में ऐसा बोल रहा है तू? ऐसे संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? इन दो औरतों की वजह से हमारे घर में फिर से खुशियां आ गई है, उसके बारे में तू मरुदे ऐसा बोल रहा है? नालायक। उन दोनों की वजह से खुशियां आई है अन्ना, और नहीं तो क्या। अरे हाँ चलो, अभी तुम्हें पता नहीं था, बता देता हूँ। वो मैंने जो निर्णय लिया अभिषेक और महेंद्र भाव को बेंगलोर जाके वापस लेके आने का, वो बेचारी चंद्रमुखी की वजह से लिया था मैंने। ऐसी क्या बात हुई थी अन्ना? अरे निर्मिति भूल गई क्या? वो उस दिन चंद्रमुखी बेचारी बेहोश हो गई थी। अब बेहोश हो गए थे महेंद्र? होना पड़ा उर्मिला, अन्ना भाई को मजबूर करने के लिए इमोशन का एक मजबूत हथौड़ा मारना जरूरी बन गया था। तो किचन में कचौरी बनाते बनाते मैंने उस दिन ऐसा किया, लपाक छपाक कढ़ाई है छोरा और छोरी कचोरी, छोरे से मिलने गई छोरी, छम छम अचम लव की ये स्टोरी। कचोरी तले छुरियां चले खाने वाले के दिल पे, कचोरी तले हम सब यूं मिलके सखी, हम सब यूं मिलके। मेरे रघु को भी मेरे हाथ की बनी कचोरी बहुत पसंद थी। चला गया मेरा राघोबा अपनी आई को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर। हत्यारी हूँ मैं, हत्यारी, इतनी बड़ी हत्यारी की हत्यारी। सासु भाई आई अन्ना, भारती मैं जल्दी आई है, चंद्रमुखी ताई बेहोश हो गई है। क्या हुआ सासु भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे 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 चंद्रमुखी, भाई कहीं मर तो नहीं गई चंद्रमुखी ताई? शुभ शुभ बोल भारती। बर बर। अच्छा ये तुम कह रही हो,
तुम तो यही चाहती हो ना कि ये बेचारी मर जाए चंद्रमुखी। आओ। अरे चिड़को कोई पानी भी नहीं, चिड़को कोई क्यों, मैं स्वतः चिड़कता हूँ, मैं चिड़कूंगा चंद्रमुखी। जाओ चंद्रमुखी, चंद्रू, अरे जागो, होश में आ जाओ, आंखें खोलो प्यारी चंद्रमुखी। प्यारी चंद्रमुखी, गोद में लेकर ही छिड़को ना पानी। आहो, तुम क्या ऐसे गोद ने बीद ने ऐसे क्या कुछ भी बोलती हो चंद्रमुखी। जिंदा है, जिंदा है। माफ करना अन्ना साहब, थोड़े चक्कर आ गए थे। ऐसे कैसे चक्कर आ गए, वो प्रेशर बेशर कम ज्यादा हो गया क्या? तुम चलो, आप भी चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, चलो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अभी, और वैसे भी डॉक्टर से कहाँ दूर होने वाला है ये दर्द। ये दर्द तो अब मेरी जान के साथ ही जाएगा। ऐसा क्या बोल रही हो? तो क्या बोलूं अन्ना साहब, मेरे दिल का ये दर्द दूर नहीं हो सकता। अपने सुन भाई का सुहाग छीना है मैंने, मैं जिम्मेवार हूँ। चंद्रमुखी आंटी, आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ गायत्री, अब तुझे कैसे समझाऊं? ठीक है बेटा, उदाहरण देके समझाने की कोशिश करती हूँ। मान ले कि ये मेरी सुन भाई गायत्री है और मैं अन्ना साहब हूँ। इतनी दुबली अन्ना, क्योंकि अन्ना साहब ने भी मेरी तरह अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है ना, मेरी ये सुन भाई बिल्कुल तेरी तरह गायत्री मेरे विचारों की लड़ाई में मेरा साथ दे रही है, और मेरा राघोबा मान ले कि तेरा अभिषेक। तो इस अन्ना साहब ने गायत्री के पति को घर से बाहर निकाल दिया बिना सोचे समझे कि एक अकेली जान कैसे जिएगी अपने पति के बिना, कैसे जिएगी, और मेरे अभिषेक ने आत्महत्या कर ली। चंद्रमुखी क्या बोल रही हो तुम, मेरा अभिषेक ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। मैं भी ऐसा ही सोचती थी ज्योत्सना ताई, लेकिन कर ली ना आत्महत्या मेरे राघोबा ने, कर ली ना, उसकी वजह है ये अन्ना साहब, और दुखी कौन है तो मेरी गायत्री। राघोबा को घर से नहीं निकालना चाहिए था, वरना आज मेरा राघोबा जिंदा होता। बरोबर बोल रही है चंद्रमुखी, मेरी ही भूल है ये, लेकिन मेरी भूल की वजह से अगर अभिषेक ने बाप रे, इतना डर गया था मैं, इतना डर गया था ना कि मैंने तभी निर्णय ले लिया कि मैं अपने अभिषेक को वापस लाकर ही रहूंगा। इसीलिए हमारे घर में अभी जो राम राज्य आया है ना, उसके लिए मैं चंद्रमुखी का खूब खूब आभारी हूँ। लेकिन एक बात बोलूं महेंद्र, हाँ, मेरी बेटी का घर वापस बसाने के लिए मैं सच्ची में आपकी बहुत आभारी हूँ। एम तो आभार प्रकट करो, जाओ आने आवे, क्या होने होवे, आने होवे, अब काम धंधा नहीं है क्या? जाओ दुकान पे जाओ। बाय बाय। इसीलिए इसीलिए उन दोनों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हजार बार सोचना, कड़ी के नारद। लेकिन अन्ना अब करे क्या, कैसे बुलाएं उनको, उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे अन्ना भाई, किसके फोन की बात हो रही है? अरे वो मेरी चंद्रमुखी है ना। आपकी मतलब मेरे मेरे हम लोगों के घर पे जो नाश्ता बनाने में मदद करने वाली महिला है ना, उसका संपर्क नहीं हो रहा है। वो हम निर्मिति, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं है ना मैसेज छोड़ देता हूँ, तो फिर क्या है ना, वो जब भी फोन चालू करेगी ना तो मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, और फिर मेरे मोबाइल में टिंग
ऐसा बजेगा तो मुझे पता चलेगा कि फोन चालू हो गया, फिर मैं फोन करके बुला लूंगा और वो आ जाएगी। मेरी बात मानती है चंद्रमुखी। ये ना ऐसा करके ऐसा दबा के बोल सकते हैं। हेलो चंद्रमुखी, मैं बोल रहा हूँ, पहचाना क्या? कैसे क्या सब बराबर? क्या ऐसे नाराज बिराज हो क्या? आ फोन बिन बंद करके बैठ गई तुम? मैं कभी से प्रयत्न कर रहा हूँ चंद्रमुखी, तुम्हारा फोन लग नहीं रहा है। अभी जल्दी आ जाओ नहीं इधर तुम्हारा दर्शन अभिलाषी अम्मा गोखले। जल्दी आना, हाँ जल्दी से आ जा। भेज दिया मैसेज। अच्छा ये बताया क्या तुम? फोन चालू होगा तो मैसेज मिलेगा ना अन्ना भाई। सॉरी है लेकिन अब तो आपको चंद्रमुखी की याद में जिंदगी भर बस तड़पना ही होगा। अरे बाप रे, ये चंद्रमुखी वाला फोन कहाँ गया? मम्मी। हाँ। ये पापा का कोट इस तरह सोफे पर क्यों पड़ा है? जो ये ना भगवान, कितनी बार हजार बार बोला है मैंने तेरे पापा को कि धोने के कपड़े बाथरूम में मशीन में डालते जाओ, लेकिन वो नहीं मानेंगे। बेटा तू जेब वेब चेक करके डाल देना जरा धोने में, है? फोन छे? ये कौन सा नया फोन लिया पापा ने? ये ऑफ क्यों है? ऑन करती हूँ। ये चंद्रमुखी का फोन कहाँ रख दिया मैंने? ये टिंग टिंग बजा। केशव प्रभाकर, चंद्रमुखी का फोन चालू हो गया है, मेरा मैसेज मिल गया उसे। देखो अभी टिंग इसमें बजा। मैं फोन लगाता हूँ चंद्रमुखी को। हे भगवान, चंद्रमुखी का फोन चलते चलते रास्ते में कहीं गिर तो नहीं गया? किसी के हाथ तो नहीं लग गया फोन? ये उनसे बात नहीं करते। क्या कर रहे हो? हे भगवान, तो वो चंद्रमुखी वाला फोन तो कल मैंने जो कोट पहना था उसकी जेब में था, और वो कोट तो मैंने धोने में डाल दिया, मर गए। फोन मिला फोन मिला। सुन, तो चंद्रमुखी वाला फोन मेरी कोट की जेब में है। रिंग जा रही है, रिंग जा रही है, अभी उठाएगी वो। अन्ना साहब, लेकिन पापा तो अन्ना का नाम मोटा भाव लिखते हैं। हेलो आलू चंद्रमुखी, इधर हो तुम? आई क्यों नहीं इतने दिनों से? फोन भी बंद रखा तुमने। इसने फोन उठाया? ऐसे थोड़े ना चलेगा। हाँ चंद्रमुखी, अन्ना मैं गायत्री बात कर रही हूँ। गायत्री? हाँ बड़ा। और ये फोन तो मुझे पापा की जेब से मिला है। अरे लेकिन वो चंद्रमुखी का फोन महेंद्र भाव की जेब में। उर्मिला जल्दी से गायत्री को रोक। गायत्री बेटा,
चंद्रमुखी का फोन तुम्हारे पापा की जिब में कैसे आया? वही मैं सोच रही हूँ। रुकिए, मैं मम्मी को पूछती हूँ, उनको पता होगा। मम्मी, हाँ बेटा, हाँ अभी क्या भी, हाँ। मम्मी, ये चंद्रमुखी आंटी का फोन मुझे पापा की जेब से मिला। लाला, मैं समझाती हूँ अन्ना भाई को। हेलो अन्ना भाई, कैसे है? नहीं, आप तो हैरान हो गए होंगे ना कि ये चंद्रमुखी का फोन महेंद्र के पास से कैसे। तो मैं बताती हूँ ना आपको। बात कर बड़ी, पूरी दुनिया ही इसकी दीवानी।